बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक के दो लेक्चर पर बेस करेगा, यानी टॉपिक के दो केसेस हैं, केस 1 केस 2। आज की क्लास में हम लोग केस नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। अगर हम टाइटल देना चाहें टॉपिक को, तो टाइटल मिलेगा आपके पास एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन अ स्प्रिंग। इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज के टॉपिक में हम लोग क्या सीखेंगे, जरा इसका ऑब्जेक्ट अच्छे तरीके से क्लियर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, करेंगे क्या, देखिए, हम आपको एक पुली देंगे, पुली मशीन को कहते हो जो कि लोड को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में डिस्कस किया होगा। हम आपको एक पुली देंगे, ये पुली जो है ये किसी सरफेस से हैंग हुआ हुआ होगा, ये आपके पास एक पुली है और ये किसी सरफेस से हैंग हुआ हुआ है, ये किसी सरफेस से हैंग हुआ हुआ है। सबसे पहले आप ये अज्यूम कीजिएगा कि ये जो पुली है ये पुली फ्रिक्शनलेस है, यानी हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस पुली के पास कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो है। फिर आप क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लीजिएगा, ये स्ट्रिंग है, इसके टू एंड पॉइंट्स हैं, 1 2, दोनों एंड पॉइंट से एक एक बॉडी अटैच कर दीजिएगा जिनका मास आपस में डिफरेंट हो। इस एंड से जो बॉडी अटैच किया इसका मास m1, इस एंड से जो बॉडी अटैच किया इसका मास m2। अज्यूम कीजिए कि m1 जो है वो m2 से ग्रेटर है, m1 इस बॉडी का मास इससे ज्यादा है, इस बॉडी का मास इससे ज्यादा है। फिर इस स्ट्रिंग को यहां से उठाएंगे और इस पुली के ऊपर से पास कर देंगे, इस तरह कि ये दोनों बॉडी वर्टिकल हैंग रहे, वर्टिकल मोशन में रहे, यानी इस तरीके से ये आपने इन दोनों बॉडी को वर्टिकली हैंग किया, ये आपने दोनों को वर्टिकली हैंग। अब देखिएगा, अगर अगर m1 का मास ज्यादा है m2 से, तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा वो किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड, और जिस बॉडी का मास कम होगा वो किधर मूव करेगा, अपवर्ड। ये बॉडी फर्स्ट कीजिए, ये m1 है तो ये आएगा नीचे, ये m1 है तो ये आएगा नीचे, दिस इज m1, ये आएगा नीचे, इसका मास कम है तो ये बॉडी मूव करेगा अपवर्ड, ये मूव करेगा अपवर्ड, ये मूव करेगा अपवर्ड। ये बॉडी जिस वेलोसिटी से डाउनवर्ड आएगा ये बॉडी उसी वेलोसिटी से अपवर्ड जाएगा, मतलब जितना एक्सेलरेशन इस बॉडी में प्रोड्यूस होगा उतना ही एक्सेलरेशन इस बॉडी में भी प्रोड्यूस होगा, यानी दोनों बॉडी में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम। फर्स्ट कीजिए इस बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन ए है, तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन भी ए होगा, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। इसमें देखिएगा, बॉडी का अगर मास है तो इसका मतलब है बॉडी का वेट होगा, और वेट की डायरेक्शन किधर होती है, डाउनवर्ड, ये इसका वेट डाउनवर्ड, मास m1 तो वेट को आपने कहा w1, इसका मास m2 तो इसके वेट को आपने कहा w2। जब कोई बॉडी हैंग होती है तो स्ट्रिंग स्ट्रेच होती है, बॉडी का वेट स्ट्रिंग को नीचे की तरफ ला रहा है,
तो ये जो स्ट्रिंग है ये क्या हो रही होगी, स्ट्रेच हो रही होगी। जैसे एक धागे को आप डोर से बांधिए और दूसरी एंड से आप उसको पुल कीजिए, खींचिए, तो वो स्ट्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी। आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो ये अप्लाइड फोर्स है, इसके अगेन दूसरे एंड पर एक फोर्स जनरेट होगी स्ट्रेचिंग की वजह से। वो जनरेट होने वाली फोर्स क्या कहलाती है, टेंशन, और टेंशन हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगी। अगर अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इसके लिए टेंशन अपवर्ड होगी, इसके लिए टेंशन इस डायरेक्शन में होगी। चूंकि पिस्टन फ्रिक्शनलेस है लिहाजा स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला टेंशन दोनों बॉडी के लिए क्या होगी, सेफ। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, आपको करना ये इस टॉपिक में कि आपको एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, इसके लिए टेंशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, इन दो चीजों के लिए आपको फॉर्मूला ड्राइव करके देना है। यानी ऑब्जेक्ट ये है, यू हैव टू टेक आइस्ट्रिक, अटैच टू बॉडीज टू द टू एंड्स, हैंग्स वर्टिकली ऑन अ फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट बोथ आर मूविंग वर्टिकली। यू हैव टू ड्राइव फॉर्मूला for the acceleration of the muscles and tension in the string, in do cheezon ke liye aapko formula drive karna hai. Object bilkul clear hoga ki karna kya hai. Student ye jo do formula hum log drive karenge ye hum log simply teen step mein drive karenge. Step number 1, step 1 mein aap kya kijiyega, in dono body ke liye ek ek equation banayega। पहले स्टेप में इन दोनों बॉडी के लिए एक एक सिंगल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। कैसे, जरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉडी वन के लिए, तो मैंने लिखा इक्वेशंस फॉर मास M1। देखिएगा यहां पर हो क्या रहा है, जरा देखिएगा। ये बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है। डाउनवर्ड मूव करने का मतलब है कि डाउनवर्ड वाली फोर्स ज्यादा है और अपवर्ड वाली फोर्स कम है। अगर ये बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो डाउनवर्ड वाली फोर्स ज्यादा है, अपवर्ड वाली फोर्स कम है, यानी W1 ग्रेटर है किससे, T से। तो आप लिखोगे W1 ग्रेटर देन है किससे, T से। W1 T से ज्यादा है, कितना ज्यादा है नहीं मालूम हमें। जब मालूम करना हो तो अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो इनका डिफरेंस जो भी होगा वो क्या होगा, फोर्स ही होगा। तो W1 इज ग्रेटर देन T, W1 T से कितना ज्यादा है, अज्यूम कीजिए कि ये F ज्यादा है, क्योंकि F1 के लिए वर्किंग हो रही है, जिसको F1 कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इस एक्सप्रेशंस को इक्वेशंस की शक्ल देनी है। जैसे अगर मैं कहूं कि 5 ग्रेटर देन 3 से कितना, 5 2, तो इक्वेशन कैसे बनाओगे, इसकी जगह इक्वल, इसकी जगह माइनस, इसकी जगह इक्वल, यानी 5 - 3 = 2। तो यह इक्वेशन क्या बनेगा, यहां बनेगा W1 - T = F1। W बराबर होता है mg के, तो W की जगह लिखा है mg, ये W1 है तो ये हो जाएगा m1g। -T - T = ये हो जाएगा ma, ये F1 है तो ये m1 है। ये पहली इक्वेशन आपको मिल गई। इसे बिल्कुल इसी तरह की एक इक्वेशन आप M2 के लिए ऑब्टेन कीजिए। मैंने लिखा था कंसीडर फॉर इक्वेशन फॉर मास M2 वी हैव। अब देखिए इसके लिए इक्वेशन आपको क्या मिल रहा है, देखिएगा। यहां पर ये जो बॉडी M2 है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपवर्ड,
तो इसका मतलब है अपवर्ड वाली फोर्स ज्यादा है, डाउनवर्ड वाली फोर्स कम है। तो आप कहोगे टी टी ग्रेटर देन है किससे, डब्ल्यू टू से। टी डब्ल्यू टू से कितना ज्यादा है, बाय एफ, एफ टू के लिए वर्किंग हो रही है। इसको आपने क्या लिखा, एफ टू। इक्वेशन बनाइए, टी माइनस डब्ल्यू टू इज इक्वल टू एफ टू। W बराबर होता है एम जी के, तो इसकी जगह आपने लिखा है एम टू जी। एम बराबर होता है एम ए, तो ये हो गया एम टू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। स्टूडेंट, इसके साथ आपका पहला स्टेप भी कंप्लीट हुआ। पहले स्टेप में आपको दो इक्वेशन ऑब्टेन करनी थी, एक एम वन के लिए और दूसरी एम टू के लिए। ये दोनों आपको मिल गया स्टेप नंबर टू। स्टेप टू में क्या करेंगे, आप इक्वेशन वन और टू को ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। इक्वेशन वन और टू को प्लस करने से आपको एक्सेलरेशन मालूम करने का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखिए ये स्टेप करते हैं, मैंने क्या एडिंग एडिंग इक्वेशंस वन एंड टू, देन ये M1 है, M1G minus T is equal to M1A, ये T minus M2G is equal to M2A, ये आपने प्लस किया। तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, क्या रह गया M1G, यहां से रह गया माइनस का माइनस M2G, यहां से क्या रह गया M1A, यहां से क्या रह गया M2A। इन दोनों में से कॉमन क्या आया, इन दोनों में से कॉमन आया G, तो यहां से रह गया M1 माइनस M2, ये रह गया G। यहां से कॉमन क्या आया A, तो यहां से रह गया M1 प्लस M2। M1 plus M2 A के साथ multiply, उसी तरह आकर क्या होगा divide, divide कीजिए, तो ये हो गया M1 minus M2 G over M1 plus M2, M1 plus M2, ये equal है A। इसी तरह arrange कीजिए, ये भी मास, सारे मास को एक ब्रैकेट में लिखिए, M1 minus M2 over M1 plus M2 G, ये बराबर है A के, तो ये बराबर है A के। ये एक्सेलरेशन मालूम करने का फॉर्मूला आ गया। ये था स्टेप नंबर टू। यानी स्टेप टू में आपको इक्वेशन वन और टू को ऐड करना था और इससे रिजल्ट क्या मिलना था, एक्सेलरेशन मालूम करने का फॉर्मूला। स्टूडेंट्स अब क्या करें, स्टेप नंबर थ्री। स्टेप थ्री में आप इक्वेशन वन और टू को एक दूसरे से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करेंगे तो टेंशन मालूम करने का फॉर्मूला आपको मिलेगा। इन स्टेप से आप टॉपिक को याद रखोगे तो आसानी से आप चीजों को ड्राइव कर सकते हैं। स्टेप नंबर थ्री में क्या करना है, इक्वेशन वन और टू को एक दूसरे से डिवाइड करना है। तो ये स्टेप परफॉर्म करते हैं। मैंने कहा डिवाइड डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन वन, एम वन जी माइनस टी इक्वल टू एम वन ए, डिवाइड किया टू से, टी माइनस एम टू जी बराबर है एम टू ए से, ए से ए कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एम वन मल्टीप्लाई हुआ T माइनस एम टू जी, एम टू मल्टीप्लाई हुआ एम वन जी माइनस टी, ब्रैकेट ओपन कीजिए
M1T minus M1M2G. Bracket is open. M1M2G minus M2 किससे multiply कीजिए M2T. T वाले टर्म्स को एक साइड कीजिए, बाकी टर्म को दूसरी साइड कर लीजिए. M1T ये माइनस का इसे डाकर प्लस का, प्लस M2T ये ऑलरेडी मौजूद है इसे रहने दीजिए यहीं पर. ये माइनस का इसे डाकर प्लस का, प्लस M1M2G. इन दोनों में से कॉमन निकालिए. कॉमन क्या आया T, ये हो गया M1 प्लस M2. M1M2G प्लस M1M2G ये हो गया 2 M1M2G. M1 प्लस M2 T के साथ मल्टीप्लाई करा कर क्या होगा, डिवाइड. डिवाइड हुआ तो ये आ गया T is equal to 2 M1M2G over M1 प्लस M2. इसे अरेंज कर लीजिए, सारे मास को एक ब्रैकेट में लिखिए. 2 M1 M2 over M1 plus M2. This is G. ये टेंशन मालूम करने का फॉर्मूला आ गया. स्टूडेंट्स, अगर ये टॉपिक पेपर में आता है, अगर पेपर में आता है तो हम आपसे पूछेंगे, हम आपसे कहेंगे टू बॉडीज और डिफरेंट मासेस which are attached to the end points of a string which passes over a frictionless pulley such that both are moving vertically. Then write formula for the acceleration of the masses and tension in this frame. Simple question आता है, कोई confusion नहीं होगी. आपको method आना चाहिए. इसलिए यहाँ पे ये point याद रखिएगा कि जो body का mass m1 m2 है, ये mass हम paper में, board के paper में change कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, तो आपको उसके हिसाब से डेरिवेशंस करनी आनी चाहिए. बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप हमेशा M1 M2 ही दें, ये नाम भी बदला जा सकता है. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, बुक में इस टॉपिक का एक न्यूमेरिकल भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, जरा उसे भी देख लेते हैं. तो बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 94, पेज नंबर 94, पेज नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 9, और ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह समझिएगा. सुनिए, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग देखिए. कहता है टू बॉडीज ए एंड बी, नाम उसने बदल दिया है, ए एंड बी कर दिया. टू बॉडीज ए एंड बी आर अटैच्ड टू द एंड पॉइंट्स ऑफ अ स्ट्रिंग एंड पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट बोथ आर मूविंग वर्टिकली. इतनी लाइन, ये जो सेंटेंस आपसे कहा गया है, इस सेंटेंस का मकसद आपको ये कंफर्म करना था कि ये जो न्यूमेरिकल है किस टॉपिक से रिलेटेड. इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हो? फॉर्मूले आप ये इस्तेमाल करेंगे. ये कंफर्म किया है कि इस टॉपिक का न्यूमेरिकल है. फिर कहता है, इफ मास ऑफ बॉडी ए इज 4.8 केजी, बॉडी जो ए है उसका मास कितना है? 4.8 केजी. लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे पास तो M1 और M2 है. अब हमें कैसे पता चलेगा ये 4.8 केजी जो मास है ये M1 है ये M2 है? बगैर सोचे समझे डेटा नहीं बना सकते हैं. ये ध्यान पर रखिएगा, इधर देखिएगा. फिलहाल मैंने लिखा कि मास गिवन है 4.8 केजी, ये गिवन है. M1 M2 का फैसला करेंगे. फैसला कैसे होगा, गौर से देखिएगा. M1 वो है जो ग्रेटर है, M2 वो है जो लेस है, एक तरीका. दूसरा तरीका, M1 वो है जो डाउनवर्ड मूव करता है, M2 वो है जो अपवर्ड मूव करता है. M1 वो जो डाउनवर्ड, M2 वो जो अपवर्ड,
फिलहाल क्वेश्चन में अभी तक कुछ नहीं बताया गया, तो क्वेश्चन को जरा आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है फाइंड द मास ऑफ बॉडी बी विच मूव्स डाउन। कह रहे हैं फाइंड द मास ऑफ बॉडी बी विच मूव्स डाउन, बॉडी बी का मास निकालिए जो डाउनवर्ड मूव करता है। तो डाउनवर्ड कौन मूव कर रहा है, m1। तो किसका मास निकालना है, m1 का। तो ये कौन सा मास हुआ, ये हुआ m2। तो m1 तो आपको फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया m2। बुक में देखिएगा कहता विच मूव्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव कर रहा है। और कहता है जी की वैल्यू आप ये इस्तेमाल कर लीजिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस हमें सिर्फ एक गिवन है, टेंशन का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब है टेंशन के फॉर्मूले का कोई इस्तेमाल नहीं है। एक गिवन है तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या यूज होगा, ये यूज होगा। क्लियर? तो अगर मैं फॉर्मूले की हेडिंग में लिखूं, फॉर्मूले की हेडिंग में लिखूं तो सिंपल मैंने कहा कि फॉर एम वन आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू ए टू जी। क्लियर? कैलकुलेशन कर लीजिए, वैसे तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मैं आपकी जरा हेल्प कर देता हूं कैलकुलेशन। ए की जगह ए की वैल्यू छुट्टी है 0.2, एम वन आपको मालूम करना है, एम टू की जगह 4.8, एम वन आपको मालूम करना है, एम टू की जगह 4.8, दिस इज 9.8। क्लियर स्टूडेंट्स? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 0.2, ये डिवाइड इधर आगे मल्टीप्लाई, एम वन प्लस 4.8 इधर रह गया एम वन माइनस 4.8 इनटू 9.8। मल्टीप्लाई कीजिए 0.2 को m1 से मल्टीप्लाई किया 0.2 m1, 4.8 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया 0.96, 9.8 को m1 से मल्टीप्लाई किया 9.8 m1, इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 9.8 इंटू 4.8 64, 4 6 कैरी 78, 9 4 0, 1 कैरी 10 7 और ये 4 1 2 डिजिट ये, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 47.04। क्लियर? एम वन वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए, ये प्लस का इधर आकर माइनस का 0.2 एम वन माइनस 9.8 एम वन, ये प्लस का इधर जाके माइनस का माइनस 47.04 माइनस 0.96। आप ये सारे काम के लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज करने की परमिशन है आपको। इसमें जिसको माइनस किया ये हो गया माइनस 9.6 एम वन, ये दोनों माइनस में, प्लस हो गया माइनस 48, माइनस से माइनस कैंसिल 48, 9.6 को इधर लाकर डिवाइड कीजिए, डिवाइड किया तो ये आया 5, मास निकाला है तो केजी। ये है बॉडी बी का मास 5 केजी जो मूव कर रहा था डाउनवर्ड। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से लेक्चर को देखिएगा। अगर कहीं कंफ्यूजन है लेक्चर्स को जरा रिपीट करके देखिए, उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी।
फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो लाइव सेशन में आप फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।